नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। छत्तीसगढ़ में राम मंदिर पर सियासत अपने चरम पर है। न्योता ठुकराने पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के न्योता ठुकराने पर बोले हैं सीएम, प्राण प्रतिष्ठा में ना जाना कांग्रेस का दुर्भाग्य है। देश की जनता भी कांग्रेस को ठुकरा देगी, बीजेपी के बयान पर बोले हैं दीपक बैज। अधूरे मंदिर में हो रही है प्राण प्रतिष्ठा। शंकराचार्य भी नहीं जा रहे अयोध्या, राजनीतिक लाभ के लिए प्राण प्रतिष्ठा करवा रही है बीजेपी। रामनवमी के दिन होती प्राण प्रतिष्ठा, संतों आम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं बीजेपी के नेता। जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और कांग्रेस ने इस भव्य कार्यक्रम के निमंत्रण को ठुकरा दिया है। इस मामले पर जहां सियासत जारी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे कांग्रेस का दुर्भाग्य बताया। छत्तीसगढ़ भगवान राम का ननिहाल है, छत्तीसगढ़ माता कौशल्या की धरती है और ये तो बड़ा सौभाग्य का विषय है। लोग 22 तारीख के निमंत्रण के लिए तरसते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस उसको ठुकराई है तो ये उनका दुर्भाग्य है और निश्चित रूप से आने वाले समय में देश की जनता भी उनको ठुकराएगी। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इसे राजनीतिक लाभ के लिए उठाया जाने वाला कदम बता रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रही है। देखिए, अयोध्या नहीं जाने का निर्णय क्या हमारी पार्टी के नेताओं ने किया है? क्या शंकराचार्य, देश के बड़े बड़े शंकराचार्य जो उस पूजा अनुष्ठान और उस मंदिर से जुड़े हैं, वो भी तो लगातार विरोध कर रहे हैं? देखिए क्या है, एक तो पहली चीज कि बड़े बड़े संत भी कह रहे हैं कि राम मंदिर अभी भी पूरा नहीं बना है, अपूर्ण है, तो भारतीय जनता पार्टी उसको उद्घाटन करने में इतनी जल्दबाजी क्यों? नंबर एक। नंबर दो कि सामने रामनवमी आ रहा है, तब तक मंदिर पूरा हो जाएगा, क्या रामनवमी में उद्घाटन नहीं कर सकते थे? इतना जल्दबाजी क्यों? 22 जनवरी का दिन देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, लेकिन इस मामले पर सियासत जारी है। एक तरफ जहां बीजेपी राम मंदिर कार्यक्रम में नहीं जाने को कांग्रेस का दुर्भाग्य बता रही है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस इस बीजेपी का राजनीतिक हथकंडा करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन 22 जनवरी को छत्तीसगढ़ के स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने इसके निर्देश भी दे दिए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल के आदेश के मुताबिक स्कूल शिक्षा और उच्च शिक्षा विभाग के तहत आने वाले दफ्तर, सरकारी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे 22 जनवरी को। इससे पहले ब्रजमोहन अग्रवाल ने छुट्टी घोषित करने की मांग को लेकर एक पत्र मुख्यमंत्री को भेजा था। मांग नहीं की है मैंने सुझाव दिया है। मैं सरकार में हूं तो मुझे मांग करने का अधिकार नहीं। हमने सभी स्कूल और कॉलेजों में 22 तारीख को छुट्टी की घोषणा आज कर, मांग नहीं की है मैंने सुझाव दिया है। मैं सरकार में हूं तो मुझे मांग करने का अधिकार नहीं। हमने सभी स्कूल और कॉलेजों में 22 तारीख को छुट्टी की घोषणा आज। छत्तीसगढ़ में राम वनगमन पथ पर सियासत जारी है। मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस पर राजनीतिक फायदे के लिए राह बदलने के आरोप लगा दिए, तो वहीं कांग्रेस ने भी मामले पर पलटवार करने में देरी नहीं की। छत्तीसगढ़ में राम की राह पर राजनीति, यहां राम वनगमन पथ पर सियासत जारी है। मंत्री ब्रजेंद्र मोहन अग्रवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की सरकार ने अपने फायदे के लिए कुछ और रास्तों को भी वनगमन पथ में जोड़ दिया। बीजेपी लोगों को वास्तविक जानकारी देगी।
ये नहीं, जो वास्तविक प्रभु राम का वनगमन पथ है और उसके बारे में देश के बड़े बड़े लोगों ने इसके ऊपर में रिसर्च किया है और उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया है, तो जो प्रभु राम का वास्तविक राम वनगमन पथ है, कांग्रेस की सरकार ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए कुछ ऐसे स्थान हैं जो उस रास्ते में नहीं आते हैं उनको भी घोषित कर दिया है, तो लोगों को वास्तविक जानकारी मिले इसका हम निर्णय करेंगे। इधर बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस ने पलटवार करने में देर नहीं की। कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने कहा कि 15 साल तो बीजेपी की सरकार थी, खुद ब्रजमोहन अग्रवाल पर्यटन मंत्री संस्कृति मंत्री थे, तब उनको याद नहीं आई जब कांग्रेस सरकार ने राम वन गमन पथ का निर्माण किया। पूरे देश में, पूरे विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। भाजपा सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलकर लोगों को गुमराह करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, खासकर छत्तीसगढ़ के जो नेताएं हैं उनको तो छत्तीसगढ़ में राम भगवान के विषय में बात नहीं करना चाहिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राम वन गमन पथ से लेकर कौशल्या माता मंदिर के नव निर्माण की अगर किसी ने याद दिलाई और किसी ने उसको किया तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसको किया है। तो छत्तीसगढ़ में राम की राह पर सियासी पारा हाई है, सरकार बदली है तो राजनीति की हवा का रुख भी बदला है। अब देखना होगा राम के नाम पर ये सियासी हवा आगे कौन सा रुख लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के प्रयागराज राज्य में कचरा बीनने वाली बिहुला बाई को अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता मिला है। बिहुला बाई रोज कचरा बीनने का काम कर जीवन यापन करती हैं। एक साल पहले जब श्री राम मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का कार्य चल रहा था, तब दिन भर कचरा बीन कर 40 रुपए कमाने वाली बिहुला बाई ने राम मंदिर निर्माण के लिए 20 रुपए का चंदा दिया था। उनकी इस भावना को देखते हुए हिंदू संगठन के लोग निमंत्रण के अक्षत कलश लेकर बिहुला बाई के घर पहुंचे और उन्हें श्री राम जी के दर्शन का न्योता दिया। न्योता मिलते ही बिहुला बाई भावुक हो गई। उन्होंने इसे अपने जीवन का अनमोल पल बताया है। अयोध्या से बिहुला बाई को निमंत्रण आया है श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होने। इस प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में देश के कई उद्योगपति, मंत्री और कई दिग्गज शामिल होंगे, उसमें बिहुला बाई भी शामिल होगी। और जिस तरह इनको निमंत्रण आया है, इस छोटी सी कुटिया में खुशियों की बहार है और बिहुला बाई आतुर है श्री राम भगवान से मिलने के लिए, अयोध्या जाने के लिए। और ये देखिए निमंत्रण, जो आमंत्रण पत्र है अपने हाथ में रखी है। बिहुला बाई कचरा उठाने का काम करती है और इन्हें अब अयोध्या जाने का मौका मिला है। बिहुला बाई, आप क्या काम करती हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताइए। कचरा काम करती हूं और कचरा उठाती हूं और मंदिर में जाके राजीव लोचन से भीख मांगती हूं और अयोध्या जाए के मुला समय दी से भगवान हरारे है। कितना कमा लेते हैं? 40-50 रुपया कमा लेते हूं। कितना दान किए थे? 20 रुपया दान किए था। अच्छा, आपको निमंत्रण मिला है, कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। जाने के लिए आप तैयार हैं? हाँ हाँ। और इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनने के बाद सचिन पायलट पहली बार प्रदेश के दौरे पर रायपुर पहुंचे और यहां उन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के पंपलेट का विमोचन किया। वो कांग्रेस की गड़ारी हार के बाद कार्यकर्ताओं में नई जान फूंकने यहां पर आए हैं। उनके दौरे पर बीजेपी निशाना साध रही है। रायपुर दौरे पर पहुंचे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने दावा किया कि वो इतिहास बदलने आए हैं। लोकसभा चुनाव में जोरदार वापसी की बात कही, विधानसभा चुनाव में मिली हार का बदला लेने का भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजों के बाद कार्यकर्ताओं में नाराजगी स्वाभाविक बात है, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले सब ठीक हो जाएगा। हमारे सारे कार्यकर्ता एक बार फिर पूरे उत्साह के साथ काम करेंगे। और दो दिन का हमारा कार्यक्रम है। आप सब जानते हैं कि लोकसभा के चुनाव बहुत निकट हैं और आने वाले लोकसभा चुनावों के लिए पूरा संगठन, पूरी पार्टी, सभी नेता कार्यकर्ता तैयार हैं। इसी का जायजा लेने के लिए, संगठन को और दुरुस्त कर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार करने के लिए और पूरे प्रदेश भर में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसको नए जोश के साथ चुनावी मैदान में उतारने के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हैं। ये इस राज्य की जिम्मेदारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने हम सबको दी है
मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम दुगनी ताकत से वापसी करेंगे। इधर पायलट के दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने निशाना साधते हुए कहा कि पायलट बदलने से कुछ नहीं होता, गाड़ी तो वही है। पायलट बदलने से नहीं होगा, गाड़ी तो वही है। पायलट बदलने से नहीं होगा, गाड़ी तो वही है। पायलट बदलने से नहीं होगा, गाड़ी तो वही है। एक तरफ जहां बीजेपी सचिन पायलट के दौरे पर कटाक्ष कस रही है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश प्रभारी बनने के बाद कांग्रेस में कितना बदलाव होगा, हार के बाद हताशा को पायलट कितना दूर कर पाएंगे और सिर पर लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में वो पायलट के आने के बाद कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर से अपना परचम लहरा दिया। स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। देश के सबसे स्वच्छ राज्यों में छत्तीसगढ़ को तीसरा पुरस्कार मिला है। छत्तीसगढ़ के कुल 5 शहरों को स्वच्छता सर्वेक्षण की अलग अलग कैटेगरी में पुरस्कार मिला है। देश की राजधानी दिल्ली में आयोजित समारोह में रायपुर, कुम्हारी, महासमुंद, आरंग, पाटन को पुरस्कार से नवाजा गया। रायपुर कचरा प्रबंधन में अव्वल नंबर पर आया है। 1,00,000 से कम आबादी वाले शहरों में दुर्ग जिले के पाटन को देश में दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों नई दिल्ली के भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह में सीएम विष्णुदेव साय ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है, सौभाग्य का विषय है कि आज स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार समारोह में तीसरा स्थान मिला है और हम धन्यवाद देना चाहेंगे पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को, हमारा जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसको, हमारे लाखों लाखों स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य मित्रों को जिन्होंने पूरे प्रदेश को स्वच्छ रखा है और आज तृतीय पुरस्कार हमारा प्रदेश हासिल किया है और हमारा एक नगर पालिका भी मतलब तृतीय स्थान प्राप्त किया है, तो उस नगर पालिका को भी, वहाँ के भी स्वास्थ्य कर्मियों को, स्वास्थ्य मित्रों को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। इधर स्वच्छता में छत्तीसगढ़ का ग्राफ बढ़ा है। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि स्वच्छता को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं, सबकी सहभागिता से प्रदेश सुंदर बनेगा। निश्चित रूप से जिस प्रकार से 2014 में प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया और स्वच्छता जन आंदोलन बन गया है, ऐसे में छत्तीसगढ़ को आज जो 6 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, मैं छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बधाई देता हूं। छत्तीसगढ़ को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जो लोग लगे हुए हैं, अधिकारी, कर्मचारी, अलग अलग संस्थाएं, उन सबको, जन प्रतिनिधियों को, सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। छत्तीसगढ़ में 2014 से 2017 के दौरान स्वच्छता को लेकर जो नीतियाँ बनाई गयी उनमें बहुत से काम हुए। प्रदेश में सार्वजनिक और सामुदायिक शौचालयों के निर्माण के लिए सुविधा 24 योजना शुरू की गई। प्रदेश में स्वच्छता को लोगों की आदत में शामिल करने और इसे स्थायी रूप से व्यवहार में लाने के लिए कचरा प्रबंधन, निजी, सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों का निर्माण, सफाई मित्रों की सुरक्षा, कचरा मुक्त शहर, ODF तथा सेप्टिक टैंकी अवशेष के निपटान पर अभियान चलाए गए, जिसके परिणाम ये रहे कि छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता के क्षेत्र में परचम लहराया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उधर बिलासपुर में NSS कैंप पर हमला करने वाले बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। 2 नाबालिग सहित 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बता दें कि बदमाशों ने पैसों के लिए पैसों की स्टूडेंट से मांग की थी। मना करने पर बदमाशों ने कैंप में घुसकर बैल्ट से छात्रों से मारपीट कर दी। घटना में 12 छात्रों को चोटें आई हैं। जरी ग्राम जो हिदी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां पे एक NSS कैंप चल रहा था। कल उसका आखिरी दिन था तो रात में सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह भी हो रहे थे। उस दौरान कुछ ग्रामीणों के द्वारा मारपीट की सूचना जो है, जैसे ही पुलिस को मिली, तत्काल पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और कुछ लोगों को चोट आई थी, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है और जो उपद्रवी तत्व थे लगभग 6 लोगों को अभी हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और आगे इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।